इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिजिटल कंप्यूटर, व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर, वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर, वर्किंग ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, बसेस, मेमोरी, एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ सीपीयू, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, वन बाय वन डिटेल अब देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल मशीन है। इसका मेन कंपोनेंट सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो सीपीयू एक्चुअली डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम इस प्रकार से है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग करने के बाद या तो आउटपुट डिवाइस को आउटपुट दे सकता है या मेमोरी में इसको स्टोर कर सकता है। मेमोरी का हायरार्की कुछ इस प्रकार से है, स्कैसर मेमोरी, रेंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है रेंडम एक्सेस मेमोरी को। यदि सीपीयू को कोई भी ब्लॉक ऑफ डेटा रीड करना हो रेंडम एक्सेस मेमोरी से, तो सबसे पहले सीपीयू देखता है वो ब्लॉक ऑफ डेटा कैसे मेमोरी में है कि नहीं है। यदि है तो कैसे मेमोरी से वो डेटा डायरेक्ट ले लेगा, यदि नहीं है तो वो रेंडम एक्सेस मेमोरी से डेटा को कॉपी करके कैसे मेमोरी में रखेगा और फिर उसको सीपीयू अपने पास रखेगा। इस प्रकार से कैसे मेमोरी का जो रोल है वो सीपीयू और रेंडम एक्सेस मेमोरी के स्पीड को मैनेज करता है। कैसे मेमोरी स्मॉल मेमोरी है जो सीपीयू और रेंडम एक्सेस मेमोरी के बीच प्लेस्ड रहता है और ये इसका स्पीड लगभग सीपीयू के स्पीड के बराबर है। रेंडम एक्सेस मेमोरी काफ़ी स्लो है तो ये अपना स्पीड से सीपीयू को डेटा भेजेगा। तो रेंडम एक्सेस मेमोरी से ब्लॉक ऑफ कोड को पहले कैसे मेमोरी में सीपीयू रख लेता है और फिर उसको अपने पास रीड करता है। इसी प्रकार से सीपीयू तो जब भी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना हो तो सबसे पहले कैसे मेमोरी में ब्लॉक ऑफ कोड को रखेगा, फिर इससे रेंडम एक्सेस मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेगा। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो यदि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यदि सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में बना होता है तो माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर होता है और बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट बनते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर सेट। एलयू परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। इसके अलावा एलयू परफॉर्म कर सकता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर, नंबर का कॉम्प्लीमेंट यानी नंबर जो बीट बाई बीट में बना होता है, जीरो को वन, वन का जीरो कर सकता है। कंपेयर टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में कंपेयर कर सकता है। बीट को रोटेट कर सकता है या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, शिफ्ट कर सकता है, इंक्रीमेंट नंबर और डिक्रीमेंट नंबर, ये सब काम एलयू के द्वारा परफॉर्म होगा। कंट्रोल यूनिट एक्चुअल रूप से कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशन को। ये कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस और जितने सारे कनेक्टेड डिवाइसेस है उसको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल जो जरूरत होता है कंट्रोल करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। इन सब के अलावा रजिस्टर, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर टेम्पररी रूप से डेटा को रखता है, स्टोर करता है। जब डेटा का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है, उसका रजिस्टर से डेटा को लॉस कर हट जाता है। उस ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। डिजिटल कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी डिजिट 0 और 1। अ नंबर ऑफ बिट्स दैट डिजिटल कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन पैरेलल एट ए टाइम इज कॉल्ड इट्स वर्ड लेंथ। डिजिटल कंप्यूटर जितने बीट को पैरेलली प्रोसेस करता है एक बार में वो वर्ड लेंथ कहलाता है। वर्ड लेंथ माइक्रोप्रोसेसर या कंप्यूटर का 4, 8, 16, 32 या 64 बीट हो सकता है। यदि 8 बीट माइक्रोप्रोसेसर है तो वो 8 बीट डेटा पर वर्क करेगा एट ए टाइम। यदि डेटा मोर देन 8 बीट से बना होता है तो प्रोसेसर फर्स्ट 8 बीट के लिए काम करेगा, परफॉर्म हो जाने के बाद नेक्स्ट 8 बीट को वो प्रोसेस करने के लिए लेगा। यदि 16 बीट का डेटा है और माइक्रोप्रोसेसर 8 बीट का है तो फर्स्ट 8 बीट का वर्क वो परफॉर्म करने के बाद
नेक्स्ट 8 बिट का वो वर्क शुरू करेगा। यदि माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट का है और डेटा भी 16 बिट का है तो वन अटेम्प्ट में वो 16 बिट का डेटा पर वर्क करेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि किसी टीचर के पास टोटल 8 स्टूडेंट को पढ़ाने की क्षमता है उसको, तो वन टाइम में वो 8 स्टूडेंट को टीच कर सकता है। यदि उसके पास 16 स्टूडेंट्स है तो वो 2 अटेम्प्ट में उसको कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। फेच करने का मतलब मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस को निकालता है। इसको फेच करने के बाद उसको वो डिकोड करता है। डिकोड करने के लिए डिकोड से वो पता करता है कि इस इंस्ट्रक्शंस में क्या करना है। डिकोड से ये कंफर्म होता है कि इंस्ट्रक्शंस का ऑपरेशन क्या है, उसको किस प्रकार से ऑपरेशन करना है। उसके बाद एग्जीक्यूट इन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूशन में लाता है और जो रिजल्ट होते हैं उसको स्टोर करता है। इन सब करने के लिए रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ते हैं। रजिस्टर बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग रजिस्टर सेट है, सबका अपना अपना काम है। उसको वन बाई वन देखते हैं कौन सा रजिस्टर से क्या होता है। रजिस्टर एक्चुअली स्टोर करेगा डेटा और ALU परफॉर्म करता है कंप्यूटिंग फंक्शन। तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में देखेगा किसका एड्रेस है। यदि प्रोग्राम काउंटर में 1002 यदि हम सपोज करते हैं 1002 लोकेशन दिया गया है, एड्रेस दिया गया है मेमोरी का, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट 1002 का ऑपरेशन करेगा। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो ऑपरेशन कोड होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसको परफॉर्म कंट्रोल यूनिट करेगा। तो सबसे पहले 1002 जो एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से, उसको कॉपी होता है एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 1002 मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा। यदि हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर में देखेंगे तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम एड्रेस बफर करता है। उसके बाद 1002 यानी कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस को ट्रांसफर होता है एड्रेस बस पर। इस एड्रेस बस से 1002 एड्रेस बस एड्रेस कैरीज करता है, ले जाने के बाद मेमोरी यूनिट को देता है। मेमोरी यूनिट इस लोकेशन के कंटेंट को ट्रांसफर कर देता है डेटा बस पर। इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट ओपी कोड को ट्रांसफर कर देने के बाद एड्रेस बस पर ट्रांसफर कर देता है और वो एड्रेस बस डेटा रजिस्टर में कॉपी करता है। यदि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में देखा जाए तो डेटा बफर डेटा रजिस्टर का काम करेगा। इसके बाद ऑपरेशन को डेटा रजिस्टर से कॉपी होकर इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में आने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस डिकोड होता है और फाइनली PC इंक्रीमेंट हो जाता है 1 से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन डिकोडर के बाद ALU परफॉर्म करता है ऑपरेशन। किस प्रकार का ये इंस्ट्रक्शन है, इस प्रकार से जनरल रूप से माइक्रोप्रोसेसर काम करता है। तो अलग अलग माइक्रोप्रोसेसर में थोड़ा अलग अलग ढंग से काम होते हैं। ये जनरल ओवरव्यू है माइक्रोप्रोसेसर का वर्किंग का। बसेस ग्रुप ऑफ वायर या लाइन जो मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के साथ कनेक्ट होते हैं वो बसेस होते हैं। बसेस 3 टाइप्स के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को कैरीज करता है या इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को वो कैरीज करेगा। डेटा बस ट्रांसफर करता है डेटा बिटवीन प्रोसेसर मेमोरी और इनपुट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच। ये डेटा का ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है डेटा बस। ये बाई डायरेक्शनल होता है। डेटा बस को डी बस, बाई डायरेक्शन मतलब प्रोसेसर से डेटा हम भेज सकते हैं मेमोरी को, मेमोरी से डेटा प्रोसेसर के पास ला सकते हैं। डेटा बस का जो बिट्स होता है वो वर्ड लेंथ ऑफ CPU के बराबर होगा। यदि 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है तो 8 बिट का डेटा बस होगा। 8 बिट का डेटा बस मिलने का मतलब है कि प्रत्येक बिट पर हम डेटा कॉपी करते हैं। यदि 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है तो 16 बिट डेटा बस एक साथ वर्क करेगा।
इसके बाद कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का उपयोग कंट्रोल सिग्नल को कैरी करने के लिए किया जाता है। ये सीपीयू और मेमोरी और इनपुट आउट डिवाइसेस के बीच में कंट्रोल सिग्नल को कैरी करता है। कंट्रोल सिग्नल बाई डायरेक्शन होते हैं। कंट्रोल सिग्नल जैसे रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, ये सब कंट्रोल सिग्नल है। ये सब सिग्नल रीड सिग्नल बताते हैं कि रीडिंग का प्रोसेस होना है, राइट सिग्नल बताया जाता है कि राइट का प्रोसेस होगा। ये सारे कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस के द्वारा हैंडल होते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ सीपीयू। मेमोरी का एड्रेस कैपेबिलिटी जो होगा वो एड्रेस बस के विड्थ पर डिपेंड करता है। यदि सीपीयू एन एड्रेस लाइन है तो 2k पावर n मेमोरी लोकेशन होंगे। एग्जांपल के लिए यदि एड्रेस लाइन 2 है, यदि एड्रेस लाइन 2 है तो पॉसिबल एड्रेस उसका 00011011 होंगे। एड्रेस लाइन 2 का मतलब हो गया कि यदि फर्स्ट लाइन पर 0 हो सकता है, सेकंड लाइन पर 0, या तो फिर फर्स्ट लाइन पर 0, सेकंड लाइन पर 1, फर्स्ट लाइन पर 1, सेकंड लाइन पर 0, या फर्स्ट लाइन पर 1, सेकंड लाइन पर 1, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन टोटल 4 है एड्रेस लाइन के लिए। यदि एड्रेस लाइन 3 है तो पॉसिबल एड्रेस ब्लॉक हो सकते हैं 00001 010 011 101 101 101 011 011 011, यानी टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। प्रत्येक लाइन एक एक बिट को कैरी करेगा, तो टोटल 8 ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं 3 एड्रेस लाइन में। प्रत्येक ब्लॉक में A1 बाइट डेटा स्टोर हो सकता है। तो फॉर्मूला यहां से निकला है, द एड्रेस कैपेबिलिटी ऑफ सीपीयू इज इक्वल टू 2 के पावर n बाइट्स, जहां n नंबर ऑफ एड्रेस लाइन है। यदि एड्रेस लाइन 2 है तो टोटल 4, 2 के पावर 2 यानी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यदि 3 है तो 2 के पावर 3 यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर के इवोल्यूशन को हम जनरेशन में कैटेगरीज करते हैं। प्रत्येक जनरेशन नंबर ऑफ बिट्स के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जनरेशन 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर के लिए था। सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर 4004, ये फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर था जो 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर है। तो इसका वर्ड लेंथ 4 बिट का होगा। ये 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें टोटल 16 पिन्स थे। सेकेंड जनरेशन 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर के लिए डेवलपमेंट हुआ। 1972 में 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर 8002 इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा अदर 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर 8080 1974 में और 8085 इन 1976 में। थर्ड जनरेशन 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर के लिए मार्क किया गया। 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 8086। इसके अलावा और भी 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, इंटेल 8088, इंटेल 80186, इंटेल 80188, इंटेल 80286। फोर्थ जनरेशन 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर के लिए डेवलपमेंट के आधार पर देखा गया है। 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहला 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 80386, इसके अलावा इंटेल 80486, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, सेलरॉन, पेंटियम 3 एंड पेंटियम 4 है।